और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज फाइनली KTM RC390 की स्पॉटेड इमेजेस सामने आई है और ये जो इमेजेस हैं वो इंडिया में पहली बार ली गई हैं। तो इमेजेस को देखकर आप साफ साफ पता लगा सकते हो कि अब इस बाइक में ढेर सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। दोस्तों, बात करें एक इम्पॉर्टेंट चेंज की जो कि काफ़ी सारे लोगों के डिमांड में था, वो है TFT कंसोल। अब इस बाइक में आपको ड्यूक 390 वाला TFT कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं और वो कंसोल देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अब काफ़ी सारे भाई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमको तो कंसोल दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस इमेज को जूम करके देखोगे तो आपको कॉर्नर पर नज़र आ जाएगा कि अब इस बाइक में आपको ड्यूक 390 वाला TFT कंसोल अटैच मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चेंज KTM ने इस बाइक पर किया है। दूसरे चेंज की बात करें तो वो उसके पिलियन को लेकर किया गया है, मतलब पिलियन सीट को लेकर किया गया है। पहले की जो पिलियन सीट थी वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी और वो वेल कुशनड भी नहीं थी, इसलिए उसकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती थी। लेकिन KTM ने उन कंप्लेंट्स को सुनी और अब इसकी जो सीट है उसको काफ़ी ज़्यादा वेल कुशनड और थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप अब इसके एग्जॉस्ट को देखोगे तो उसको भी चेंज कर दिया गया है। हालांकि एग्जॉस्ट साउंड का नहीं पता, लेकिन एग्जॉस्ट को देख के लगता है कि इसमें आपको काफ़ी बढ़िया साउंड भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। हालांकि फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो पूरा ही चेंज कर दिया गया है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री वाली टेस्ट ड्राइव देखोगे इस बाइक की तो इसमें आपको सेंटर में दो प्रोजेक्टर बल्ब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको हेलोजन बल्ब देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको प्रोजेक्टर बल्ब ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों KTM क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। और पीछे आपको LED टेल लाइट ही देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों इंडिकेटर की, तो इसमें आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे और अब इसमें आपको जो फ्रंट मिरर में इंडिकेटर पहले से इनबिल्ट मिलते थे, अब वो इसमें आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। आप इसके फ्रंट साइड ग्लास को देखो, अब इसमें आपको कोई भी इंडिकेटर अटैच नहीं मिलते हैं। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि इसमें आपको अब फेयरिंग पर ही इंडिकेटर्स इनबिल्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, बात करें इसके पूरे लुक्स की, तो इसका चेचस पूरा ही चेंज कर दिया गया है, इसका पूरा ही डिज़ाइन पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। हालांकि ये बाइक अभी ग्राफिक्स के साथ अवेलेबल नहीं है, इसकी जो स्पॉटेड इमेजेस है वो ग्राफिक्स के साथ अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये बाइक देखने में थोड़ी डल सी लग रही है। लेकिन जब ये बाइक ग्राफिक्स के साथ आएगी तो मुझे लगता है इसका लुक काफ़ी बढ़िया देखने को लगेगा और इसके टक्कर में भी कोई भी फेयरिंग वाली बाइक अभी इंडियन मार्केट में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि KTM काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ इस बाइक को लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें टायर की, तो सामने आपको 110 सेक्शन 70 का टायर देखने को मिलेगा और इसमें आपको ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे और पीछे आपको ऑरेंज व्हील देखने को मिल जाएगा और उसमें आपको 150 सेक्शन 60 का टायर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इंजन की, तो इंजन में कोई भी चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको सेम 373 cc का इंजन देखने को मिलेगा जो 43.5 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा और 36 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। और दोस्तों, अगर बात करें राइडिंग पॉस्चर की, तो मुझे लगता है अब इसका राइडिंग पॉस्चर भी थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया गया है। पहले कंप्लेन थी कि आपको थोड़ा लीन होकर राइड करना पड़ता था, तो अब इस बाइक में आपको लीन होकर राइड करना नहीं पड़ेगा। आप इसके हैंडल को देखो, इसको थोड़ा अपराइट कर दिया गया है ताकि जो राइडर है वो थोड़ा कंफर्टेबल और स्ट्रेट होकर राइड कर सके, ताकि वो इस बाइक को एक लॉन्ग टूर पर भी लेकर जा सके। बाकी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आपको इस बाइक का लुक्स कैसा लग रहा है। हालांकि अभी ये ग्राफिक्स में नहीं आई, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जब ये बाइक ग्राफिक्स के साथ आएगी तो इसके लुक्स का कोई भी तोड़ इंडियन मार्केट में आपको कोई भी फेयरिंग वाली बाइक में देखने को नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों, अगर बात करें कि ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है और किस प्राइस पर यह बाइक लॉन्च होने वाली है, तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है वो रहेगा तकरीबन 2,80,000 तक इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है। और अगर बात करें कि बाइक कब लॉन्च होगी, तो 3 से 4 महीने बाद आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी 1 से 2 महीने तक कंपनी इसकी अच्छे तरीके से टेस्ट ड्राइव करेगी, फिर इस बाइक को इंडियन मार्केट में उतारेगी। तो दोस्तों, यही कुछ चेंजेस KTM RC390 में किए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और यहां पर आपको मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम शो हो रहा होगा, तो जाओ मुझे वहां जाके फॉलो करो और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे वहां DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज।